और अब खबरें विस्तार से। अखनूर में बीडीसी और डीडीसी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। एलजी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य है कि जम्मू में पर्यटन का कोई विकास नहीं हुआ। अतीत में सभी राजनीतिक दलों ने केवल झूठे वादे किए, लेकिन जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जम्बो चिड़ियाघर खोल दिया गया है। एलजी सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि कल तिरुपति बालाजी मंदिर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अब कई लोगों को शिकायत है कि साहब हमारे यहाँ हर गांव में तो टूरिज्म होगा नहीं, लेकिन जम्मू रीजन में भी टूरिज्म बढ़े, जम्मू जिले में भी बढ़े, फिर उसके बाद तब आपकी पंचायत का नंबर आता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि तमाम हाईवेज बन रहे हैं, अब पर्यटक को भी जाने में सुविधा होगी, तभी पर्यटक जाएगा। देखते देखते सुचेतगढ़ में आप सब गए हैं, कुछ लोग वहां कार्यक्रम शुरू हो गया। अब जब मैं सोचता हूं पिछले 35 साल में जो भी सरकार बनी, सबने कहा शपथ लेते ही मुख्यमंत्री पद की, एक महीने में सुचेतगढ़ पर रिट्रीट सेरेमनी शुरू करा दूंगा। आप पता कर लीजिए, मैं अधिकृत रूप से बहुत जोर देकर कह रहा हूं, प्रेस के लोगों तो नोट कर लें, अनेक राजनीतिक पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर जनता ने हमको चुना तो हम शुरू करा देंगे। इस तरह के काम मैं समझता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में नहीं होने वाला। वो भी शुरू हो गया, जम्मू जू भी शुरू हो गया। इस जून तक मैंने कह दिया कि भाई टिकट नहीं लगेगा, लेकिन जून के बाद तो लगेगा। कुछ जानवर नहीं आए हैं गर्मी के कारण, बरसात में वो जानवर भी आ जाएंगे। कोशिश की जा रही है कि उत्तर भारत का सबसे अच्छा जू हो जम्बू जू बने। अब शाम को लाइट एंड साउंड एंड लाइट का प्रोग्राम भी हो रहा है, आप जाकर के जम्मू का इतिहास देख सकते हैं। इस तरह के अनेक काम हो रहे हैं, और यही नहीं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी जैसे भारत में हो रहा वैसे जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। अभी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज श्रृंगेरी के, आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा, माता शारदा की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने आकर के तीतलवाल में की। कल जम्मू शहर में 51 करोड़ की लागत से बाबा अमरनाथ के यात्रियों की सुविधा के लिए एक भवन बनाया जा रहा है ताकि वो ठीक से रह सकें। और आने वाली कल, आज से 1.5 साल 2 साल पहले हम लोगों ने तिरुपति देवस्थानम को जमीन दी थी, तो तिरुपति बालाजी का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है। कल माननीय गृह मंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले, हम लोग भी रहने वाले। तो ये कोई मंदिरों का सवाल नहीं है, मंदिर हो, जियारत हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जिस भी संप्रदाय या जिस भी धर्म के इस तरह की चीजें हैं उनको बढ़ावा देना ये हम सबका सामूहिक दायित्व है, और आपसी भाईचारा निरंतर बना रहे इसकी भी हम सब कोशिश कर रहे हैं। और कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मुझे खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सूरत बदलने के लिए बड़े पैमाने पर पहल की जा रही है। हमारा मिशन सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण गांवों को विकास की ओर बढ़ते हुए देखना है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे युवा नशे से दूर रहें, क्योंकि पड़ोसी देश युवाओं में नशा फैलाने की साजिश रच रहा है। एलजी ने नार्को आतंकवाद को एक बड़ी चुनौती बताया। सुनिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरी बात क्या कही है। प्रशासन जम्मू ने और यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों ने मिलकर के बहुत ही सराहनीय काम इस पंचायत में किया है, और 6-7 महीने में इतने काम हो जाएं, मैं समझता हूं कि कभी कभी अकल्पनीय लगता है। और ये बहुत बेहतर तालमेल जिला प्रशासन और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच है। मैं समझता हूं कि यही मॉडल हर पंचायत में रेप्लिकेट होना चाहिए। मैंने यहां के नागरिकों से अनुरोध जरूर किया है कि दो काम नागरिकों को करना है, एक अपनी पंचायत को नशामुक्त बनाना, और दूसरा स्वच्छता जिम्मेदारी है यहाँ के नागरिकों की। और यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के सरपंच साहब ने, यहाँ के डीडीसी मेंबर साहिबा ने, चेयरमैन साहब ने, सबने एक स्वर से कहा कि नहीं साहब, स्वच्छता में भी हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और इस पंचायत को पूरी तरह नशामुक्त बनाएंगे। ये हम सबकी इच्छा, हम सब जान रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है कि देश का युवा और खासतौर से जम्मू कश्मीर का युवा नशे की दलदल में फंसे। उसका एक दूसरा एंगल भी है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, और हमारा एडवर्सरी ये कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं कि जहां प्रशासन और हमारी पुलिस
इस दिशा में काम कर रही है। यहाँ के नागरिक जागरूक होकर के इस दिशा में सहयोग करेंगे तो लक्ष्य हम जल्दी प्राप्त करेंगे, फिर जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाई को छुएगा। थैंक यू। और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने लद्दाख करगिल विश्वविद्यालय में कैंपस पे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित दो दिवसीय ट्राइबल फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया। एलजी ने इस मौके पर प्रसिद्ध लोक गायक सिवान नामग्याल और मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया। इस मौके पर एलजी ने शिक्षा और विकास पर बात की। इस संबंध में उन्होंने हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। एलजी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। ये ऑर्गेनाइज किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बेसिकली हम अपने रूट से जुड़ा रहना चाहते हैं, हम अपने रूट को छोड़ना नहीं चाहते। और जहाँ तक तीसरी बात, जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि इनके कुछ मसाइल हैं, वो जितने मसाइल हैं वो सब इनके जायज़ हैं, उस पर मैं काम करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो मसाइल हमारे से नहीं सॉल्व हो सकते हैं मैं होम मिनिस्ट्री को अप्रोच करूँ। सर तो कोई डिसीजन नहीं आया? ऐसा है कि जब हमारी बोर्ड की मीटिंग होगी, ये पॉइंट वहाँ पर है, हम डिस्कस करेंगे, हम डिसीशन लेंगे उस पर, और डिसीशन आवाम के हित में लेंगे। सर शाम को कॉलेज को लेके अप्रूवल आ सकता है जल्द से जल्द एमएचए के जाने? ये पॉइंट हमारे कंसिडरेशन में है, उसका लेआउट थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए हमको उसके बारे में सोचना। मेरा नाम आसिया बानो है और मैं स्टूडेंट ऑफ पीजी फोर्थ सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल कैंपस की स्टूडेंट हूँ। और आज के इस फेस्ट में हमने बहुत सारे डिशेज़ बनाए थे। लोकली मरखूर है, जरचू है, और द मोस्ट स्पेशल वन जो कि समर में ज़्यादातर चिकन में बना। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल के पास डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी स्टूडेंट चिंदिका अच्छे से ट्रेडिशनल डिश फिंग्स योर दिखा जियो दुआ कंकू जरचिंदिया मत शाह साफ नोरी कामाना सूप तो कंकू जरचिंदिका मत शाह फिंग्स योर शाह थुक पर फिंग्स योर जो इन गांथुर दुआ गांथुर जरचिंदिया सब्जिना और मा चाहो दिया दुआ रायता उसे और देश भर से हज यात्रियों के हज के मुकद्दस सफर पर रवाना होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में हज यात्रियों का पहला जत्था श्रीनगर से सफरे बैतुल्लाह के लिए रवाना हुआ। आज 630 आजमीन का पहला जत्था हज यात्रा के लिए सऊदी अरब रवाना हुआ। पहले काफिले को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीनगर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट शाम 4:45 पर रवाना हुई, जबकि दूसरी फ्लाइट अब से कुछ देर बाद रवाना हुई। मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर हज यात्रियों को बधाई दी है और शुभकामनाएं दी। उत्साह और प्रार्थनाओं के आज मेरे हज को उनके परिजनों ने एयरपोर्ट पर आकर नम आंखों से विदा किया। इस दौरान इस हज यात्री काफी उत्साहित नजर आए। जो पहला काफिला है वो आज श्रीनगर एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना हुआ है। आज दो परवाजें यहां से रवाना हुई, जिनमें 630 जो आजमीन है उन्होंने अपना जो सफर है हज का सफर है उसकी शुरुआत की। हज हाउस पे पहले ये लोग ये जो आजमीन है जमा हुए, वहां पर इनकी स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद ये रवाना हुए एयरपोर्ट की जानिब जहां पर इन्हें रवाना किया गया। आजमीन ने इस मतलब की जो इंतजाम थे इत्मीनान का इजहार किया, तहम फेयर हाइक्स में उन्होंने इंतजाम से अपील की है इस पर गौर करे, फेयर हाइक्स में कुछ कमी होनी चाहिए। तहम जो इंतजामिया है इंतजामिया ने कहा वो इस पर तवज्जो दे रहे हैं, उस पर गौर कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती जो इस मरतबा कमियां रही है वो आने वाले वक्त में पूरी की जाएंगी। श्रीनगर से आबिद हुसैन। मेंढर सब डिवीजन में मोटरसाइकिल सवार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक शख्स मोटरसाइकिल पर सवार अपने घर से आ रहा था, इस दौरान अचानक बाइक पुल से नीचे जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उस शख्स को मेंढर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान जावेद इकबाल निवासी डराना के रूप में हुई है। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कर शव को परिवार के हवाले कर दिया। तो एक्सीडेंट में बंदा क्रिटिकली इंजर्ड हुआ, वही तो लाया था, हमने उसको फर्स्ट एड दे के मैनेज किया, रेफर कर रहे थे बट वो सकम्ब कर गया। उसको लेफ्ट लंग जो है रप्चर था, इंटरकास्टल हमने ड्रेन भी डाला और साथ में हेड इंजरीज थी, काफ़ी क्रिटिकल था, मल्टीपल इंजरीज थी। हमने बड़ी ट्राई की बट हमने इसको रिवाइव कर सके, अल्टीमेटली वो एक्सपायर हो गया। राजौरी जिले के सैलसोई इलाके में एक टाटा मोबाइल कार और तेल टैंकर के बीच टक्कर हुई। आमने सामने की टक्कर में दो लोग घायल हुए हैं। कालाकोट राजौरी राजमार्ग पर सैलसोई इलाके में हुई दुर्घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक चादर में किसी को उठाकर ले जा रहे हैं। जब वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि एक मानसिक रोगी महिला मेंढर के बाजार में बेहोशी की हालत पाई गई थी। आसपास के लोगों ने अस्पताल में संपर्क कर एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन 30 से 40 मिनट बीत जाने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मजबूरन लोगों को महिला को एक चादर में उठाकर पैदल अस्पताल पहुंचाना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल के अधिकारी डॉक्टर अशफाक अहमद का कहना था कि रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी। ऐसे है कि हमारी 3 एम्बुलेंसेज थी, 2 तो ड्यूटी पे थी, 108 भी उसको आईडी थी, रजिस्टर्ड आईडी, वो पेशेंट को रिसीव करने गई थी। दूसरी एम्बुलेंस भी पेशेंट को लेकर जोरी गई थी, और तीसरी एम्बुलेंस जो है हमारी इधर ही थी। एम्बुलेंस गई है पेशेंट को रिसीव करने के लिए, रास्ते में ट्रैफिक जाम बहुत था, जब तक पहुँची लोगों ने खुद ही पेशेंट को उठा के इधर ले आए। हमारी एम्बुलेंस तो गई है, ऐसी बात नहीं है, बट रास्ते में वो ले आए तो फिर पेशेंट, उसको हेड इंजरी हुई है, पेशेंट ठीक नहीं है, काफ़ी सीरियस है, तो अभी हमने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ, देखते हैं अगर कंफर्टेबल हुआ, अगर रिकवरी ठीक तो हम उसको रेफ़र कर देंगे। इस पेशेंट की हिस्ट्री ये है कि मेंटली डिसेबल्ड है, ये मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम है इनको, तो इनको पहले भी 3-4 बार इधर लाया है, और हमने इनके जो मालिक हैं, जिन जो घर वाले हैं, उनको बताया, हैंड ओवर किया है, बट इस पेशेंट का वो ध्यान नहीं रखते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 जेकेएलएच पर आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। अखनूर के रहने वाले मेजर अभिनंदन सिंह के यूपीएससी परीक्षा पास होने पर क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। क्षेत्र के लोगों ने मेजर अभिनंदन सिंह की कामयाबी पर उन्हें बधाइयां दी हैं। मेजर अभिनंदन ने भारतीय सेना के सेवा करते हुए यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उनका कहना है कि सेना में रहकर भी उन्होंने मेहनत करके सब कुछ हासिल किया। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं देशवासियों की दिल से सेवा करता रहूं। सब तो पहले तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। जिते रही गल खुशी दी, ते ऑब्वियसली जो तुम मेहनत करते हो किसी चीज़ लई ते खुशी तो होंगी है, बट खुशी ज़्यादा इस चीज़ की है कि जिन्ना प्यार मैनू अखनूर की जनता ने दिता, लोगों ने दिता, तो उस चीज़ की आई थिंक ज़्यादा खुशी है। ईवन जो एग्जाम क्लीयर करने तो ज़्यादा खुशी है लोगों के प्यार दे करके है। जी 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 सर, तुम मेहनत की है, ये तुम कुछ ही श्रेय देना चाहते हो? जी मेहनत का श्रेय अगर तुम पुछो तो किसी एक बंदे नू थोड़ा जा मुश्किल हो जाएगा, अगर मैं सारा श्रेय एक बंदे नू दे दिया तो राइट फ्रॉम मेरे जो पेरेंट्स है, उस तो बाद मेरे जो टीचर्स है, आर्मी मेरे जो सीनियर्स हैं, तो आई थिंक मेरे बड़े जिन्हें उन्होंने आशीर्वाद, तो सारे का आई थिंक मिल के जो एफर्ट है, तो ये रिजल्ट वह है। मेरा कल की मेहनत का आई थिंक असर है नहीं है, ये सारे की मेहनत मिली है, तो आई थिंक वो करके ही ये रिजल्ट आया है। यूपीएससी की तैयारी सर तुम किन्ने समय से करा रहे हो? जी मैं एक्चुअली तैयारी की थी 2019 शुरू की थी, तो उस तो बाद मैं लगातार ही जिन्ना भी टाइम मैंने मिलता ही, मतलब अपने जॉब तो वक्रा जिन्ना भी टाइम होता ही सारा मैं स्टडी तो लाता ही, तो 2019 तो लगातार ही पढ़ाई कर रहा। जी जी, आर्मी के कन्ना कन्ना तुम तैयारी भी करा दे, कि संभव होया तैयारी करना? क्या इन्ना आसान हाँ आर्मी के कन्ना कन्ना? जी आसान तो अगर तुम आर्मी नहीं भी होवो, कोई जॉब नहीं भी कर रहे हो, तो आसान तो है नहीं है, बट आई थिंक अगर तुम दिल च ठान लिया कि मैं करना है तो आई थिंक थोड़ा जहा आसान हो जाता है। तो दूजी गल जो टाइम मैनेजमेंट की गल है, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट का जो तरीका ही वो इन्ना ही कि मैं टाइम वेस्टेज बिल्कुल मिनिमाइज रखता सी, कोई भी फालतू एक्टिविटीज़ मैं अपने आप में इनवॉल्व नहीं करता सी, मैं कहीं जाता नहीं सी, कार भी मैं बड़ा लिमिटेड आया, तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट जोड़ा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सक्सेस। और डुबरा घाटी के इतिहास में पहली बार LAHDC लेह और होटल स्टोन हेज के सहयोग से एक आर्टिजन बाजार का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में CEC चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसर मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों, पर्यटकों और सभी पार्षदों ने हिस्सा लिया। जो क्राफ्ट बाजार है, ये पहला इस तरह का एक क्राफ्ट बाजार को डेवलप किया जा रहा है जो PPP मोड में किया है, और इसमें जो है लोकल यहाँ के जो नुब्रा के लोकल के साथ जो है काउंसिल ने MOU करके इस पूरे क्राफ्ट बाजार का जो है जो इनिशिएटिव लिया है, तो उसको जो है काउंसिल ने आगे बढ़ के जो है इसमें जो है एक सपोर्टिव रोल अदा करने का एक कमिटमेंट के साथ जो है आज इस लोकल मार्केट को जो है लोगों के सामने लाया है। और ये जो लोकल मार्केट डेवलप करने के
पीछे सोच यही था कि यहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स है उनको जो है एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है इस क्राफ्ट बाजार के रूप में जो है आज लोगों के सामने रखा है और इसको फाइनली आज हमने इनॉग्रेशन किया है। अगर हम कुछ ऐसी एक जगह की या बाजार की स्थापना कर पाए तो इसमें यहाँ लोकल की टूरिस्ट की सबका एक फायदा हो सकता है, तो इसी मंशा से काउंसिल और हम मिलकर ये काम लगभग 3 महीना पहले शुरू किया था, तो 3 महीने में ये काम बना, तो आप उम्मीद है कि इससे पर्यटक को, लोकल को, हमें भी इन सब का फायदा होगा। जी, जम्मू कश्मीर बैंक ने पुंछ नगर में पहली कैश रिसाइकलिंग मशीन जो CRM के नाम से जानी जाती है स्थापित की है। मशीन का उद्घाटन DGM सतीश कुमार और नगर पालिका पुंछ के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील शर्मा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर DGM जम्मू कश्मीर बैंक ने कहा कि पुंछ में इस पहली कैश रिसाइकलिंग मशीन के स्थापित होने से बैंकों में लगने वाली भीड़ में कमी आएगी। दोबारा मैं आपको मुबारक देता हूं कि आपका आपने ये चीज़ की और हम आपको ये एक CRM मशीन डेडिकेट करने जा रहे हैं। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट की ये एक सेकंड मशीन है और सारे जोन में हमने 7 मशीनें इसको डेडिकेट की हैं और आगे भी हम देने जा रहे हैं। और मैं मुझे याद है कि मैं लास्ट विजिट में जब मैंने विजिट की थी इस ब्रांच में तो काफ़ी रश था, फुटफॉल बहुत था, तो लोगों ने मुझे कहा कि सर जहाँ पर एक CRM मशीन जिसको हम कैश रिसाइकलिंग मशीन बोलते हैं इसकी बहुत ज़रूरत है और ताकि हम हमारा जो रश है फुटफॉल कम हो सके, तो हम ये आज हमने ये आपको ये मशीन दी है, इसके साथ आप अपना डिपॉजिट भी कर सकते हो और कैश विड्रॉ भी कर सकते हो। मेंडल सब डिवीजन में स्थित जुगाल में एक सरकारी मिडिल स्कूल का SDM मेंडर ने अचानक दौरा किया। दौरे का मकसद मिल रही शिकायतों का निपटारा करना था जिसमें एक स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला भी था। हालांकि दौरे के दौरान कब्जे वाली बात झूठी निकली। जो बिल्टअप एरिया है वो जस्ट हार्डली कोई मुझे लगता है वो एक कनाल के अंदर भी नहीं है, तो जो बाकी एरिया है तो वहाँ पे कंप्लेंट आ रही थी कि एनक्रोचमेंट हो रही है कंटिन्यूसली, पिछले दिनों में लोग बता रहे थे, तो इस सिलसिले में मैंने पहले अपने नायब तहसीलदार साहब को भेजा, उससे रिपोर्ट ली, तो वो रिपोर्ट भी कुछ क्लियर नहीं मुझे लगी और फिर आज मैंने खुद वहाँ पे दौरा किया कि स्कूल की वर्किंग को भी देखा जाए और ख़ास करके जो ज़मीन स्कूल की है उसको भी देखा जाए। तो वहाँ पे मौके पे पाया गया कि स्कूल ज़मीन की जो है स्कूल की ज़मीन जो है बिल्कुल इंटैक्ट है, वो कोई एनक्रोचमेंट आज की डेट में उस पर नहीं हुई है, अलबत्त कुछ जो अनवांटेड वाइल्ड कुछ ग्रास वगैरह था, कांग्रेस ग्रास वगैरह, तो उसको किसी ने वो उखाड़ा हुआ है, वहाँ पे काटा हुआ है। तो मोर एवर वहाँ पे स्कूल में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वहाँ पे एक बाउंड्री की ज़रूरत है स्कूल में लगाने के लिए, क्योंकि जब तक फेंसिंग नहीं होगी स्कूल की तो वो ज़मीन जो है वो उस पर खतरा मंडलाता रहेगा। तो कोशिश यही रहेगी, मेरे साथ मेरे ZDO साहब भी थे मेंडर के, तो हमने फिर स्कूल के बच्चों का भी थोड़ा सा असेस किया, स्कूल की पढ़ाई को लेके भी बच्चों की, लेकिन उसमें भी हमने पाया कि स्कूल बच्चों की परफॉर्मेंस जो भी है वो भी अप टू मार्क नहीं है। और वहीं मंडी तहसील के सरकारी मिडिल स्कूल मैदान सावजियां में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए समा बांध दिया। हमने क्लस्टर मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल सावजिया के जितने भी हमारे 43 स्कूल्स हैं सबको ये इंस्ट्रक्शन दे दी हुई है, बल्कि एक शेड्यूल बना के जारी किया हुआ है, उसी के अंतर्गत हमारा ये जो सरकारी स्कूल मिडिल स्कूल मैदान है गगनिया सावजिया सेक्टर में, यहाँ ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जिसमें स्कूल के तकरीबन 22 बच्चों ने डिफरेंट कल्चरल आइटम्स पेश किए, NEP पे स्पीच की, निपुण भारत पे स्पीच की, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी पे की, हमारे जो लोकल डायलैक्ट है कश्मीरी उसके गीत पेश किए, तो मकसद यही था कि बच्चों को एक स्टेज फ्राहम किया जाए कि वो वहां जाके एक्सप्रेस करें अपनी बात। हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने समय पर पेंशन नहीं मिलने पर रोष जताया। उन्होंने इसको लेकर ऊना में एक बैठक भी की जिसमें उन्होंने रणनीति बनाई। पेंशनर का कहना है कि वो पेंशन के लिए तरस रहे हैं, यहां तक कि उनके पास बीमारी की हालत में दवाइयां लेने तक के पैसे नहीं है। हमारे राज्य कार्यकारिणी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय परिवहन मंत्री जी को अपना मांग पत्र एक बार नहीं 3 बार सौंपा हुआ है और समय मांगा हुआ है और समय मिल नहीं रहा है, तो अगर उच्च समय पर मतलब कहने का यह है इस महीने के या इस हफ्ते में या अगले हफ्ते तक अगर समय नहीं दिया गया तो हम विशाल रैली जो है शिमला के अंदर जा कर के पूरे हिमाचल प्रदेश के साथियों को लेकर के करेंगे, लेकिन नहीं चाहते हुए भी अगर सरकार करवाना चाहती है तो हम करने के लिए मजबूर होंगे।
बद्दी की माइक्रोटेक कंपनी को प्रदर्शनकारी मजदूरों के आगे झुकना पड़ा है। कंपनी ने मजदूरों की मांगों को मान लिया है। कंपनी अब निकाले गए 400 मजदूरों को बकाया वेतन के साथ एक महीने की सैलरी भी देगी। बता दें कि मजदूरों ने कंपनी पर बिना नोटिस के काम से निकालने का आरोप लगाया था और इसके लेकर कई दिनों से ये मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे। वर्कर्स का जो भी इशू था जिन्होंने रेज किया था, वो सेंस वर्कर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर थे, तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ और वर्कर्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का और कंपनी का जो भी उन्होंने आपस में ही एमिकेबली रिजॉल्व कर लिया, तो उस अकॉर्डिंग से रेजोल्यूशन से वर्कर्स भी संतुष्ट हैं और कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी ने भी उसके लिए एग्री कर लिया। ओटी वाला जो ओवर टाइम का जो लेबरर्स ने इशू रेज किया था, तो उसके लिए लेबर इंस्पेक्टर साहब को डायरेक्ट कर दिया गया कि अगर किसी भी वर्कर को उस रिस्पेक्ट में या किसी भी और रिस्पेक्ट में कोई भी अगर उनको ग्रीवांस हो या उनको लगता है कि उनके किसी भी राइट कोई भी उनके अफेक्ट हुए हैं, तो वो लेबर इंस्पेक्टर या लेबर। और इसी के साथ खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जेकेएलएच पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।